जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ क्यों नहीं कराए जा रहे महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव, ईसी ने बताई वजह। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है, यहाँ 3 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं हरियाणा में एक ही फेज में वोटिंग होगी। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने जैसे ही दो राज्यों ने इलेक्शन शेड्यूल घोषित किया तो सवाल उठे कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं, फिर वहां असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, इन दो वजहों से टले महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों को फिलहाल टाल दिया गया है। इसके दो कारण बताए जा रहे हैं, पहली वजह जम्मू कश्मीर के चुनाव है और दूसरा कारण महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इन्हीं दो वजहों से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराना भी मुश्किल है। आपको याद होगा कि 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में करीब 50 सीटों पर उपचुनाव भी वेटिंग लिस्ट में है। जाने कब तक हो सकता है दोनों राज्यों में चुनाव। भले ही महाराष्ट्र और झारखंड में अभी चुनाव घोषित नहीं किए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों राज्यों में चुनाव ज्यादा देर से होंगे। महाराष्ट्र में 26 नवंबर 2024 तक और झारखंड में 5 जनवरी 2025 तक नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है। झारखंड के पास थोड़ा समय है, लेकिन महाराष्ट्र के पास नहीं। यही कारण है कि महाराष्ट्र के चुनाव अक्सर हरियाणा के साथ ही कराए जाते हैं। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, जो महाराष्ट्र से कुछ ही दिन पहले है। दिल्ली में 23 फरवरी 2025 तक नई विधानसभा का गठन होना है, जो झारखंड की समय सीमा से एक महीने बाद है। सीईसी राजीव कुमार ने क्या कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महाराष्ट्र चुनाव को इस बार अलग से क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव कार्यक्रम एक नया पहलू है, जो 2019 के चुनावी चक्र में नहीं था। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से सुरक्षा के मद्देनजर कई चुनौतियां हैं। हाल ही में हुए आतंकी हमलों और एक दशक बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईसीआई के पास बहुत काम है, इसलिए ईसीआई अभी सिर्फ हरियाणा जैसे छोटे राज्य में ही चुनाव करा पाएगा। महाराष्ट्र के बाढ़ के चलते टले चुनाव। सीएसी राजीव कुमार ने दूसरा कारण बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बाढ़ ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों बीएलओ के काम को प्रभावित किया है। इससे राज्य में मतदाता सूची से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं में देरी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। हालांकि वरिष्ठ ईसीआई अधिकारी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन सीएसी राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नेतृत्व में पूरा आयोग अभी तक समीक्षा के लिए इन दोनों राज्यों का दौरा नहीं कर पाया है।